हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल अकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आज आप सभी लोगों को कक्षा 12वीं के फिजिक्स अध्याय पहला वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, पहला अध्याय है भौतिक विज्ञान का, ठीक, कक्षा 12 का। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है? वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस चैप्टर में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और जो चीज़ ज़्यादातर बोर्ड में पूछी जाती है, उन्हीं टॉपिक को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, उन्हीं टॉपिक को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, चलिए सबसे पहले थ्योरी प्रूविंग, फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, हर जो चैप्टर होता है पहला चैप्टर के तीनों चीज़ कवर करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आएंगे। पहले थ्योरी प्रूविंग, न्यूमेरिकल, ओके। तो जो भी इम्पोर्टेंट होता है उन्हें क्लियर पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखिए वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश क्या है, देखिएगा, वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है, या उसका अनुभव करता है, उसे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए वैद्युत आवेश का आप एग्जांपल अगर देखेंगे तो इस पर साइंटिस्ट लोगों ने इस पर काफ़ी जो है परीक्षण किया। ठीक है, तो अगर नॉर्मली अगर हम लोग जो कर सकते हैं एग्जांपल, आप एक कंघी या स्केल को लीजिएगा अपने सूखे बालों में, अगर सूखे बालों में आप थोड़ी देर तक इसको रगड़ेंगे और फिर रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कहीं पर रख लीजिएगा। ठीक है, और फिर छोटे छोटे टुकड़े बना के कागज़ के तोड़ के, ठीक है, उसके बाद जब आप ऐसे रगड़ के उसको ले जाएंगे तो आप देखेंगे जो स्केल होती है या जो आपकी कंघी होती है वो वैद्युत आवेश को अपनी ओर आकर्षण का, वैद्युत आवेश के कारण जो छोटे छोटे टुकड़े रखे होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेती है, इसी को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इसको साइंटिस्ट लोगों ने बिल्ली के खाल पे, ठीक है, आपने इसकी छड़ को प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी हिस्ट्री लेवल तक ये लोग गए थे। ठीक है, तो आप एग्जांपल एक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उससे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। और इससे हमें क्यों से प्रदर्शित करते हैं, यानी क्यों बराबर क्या होता है, देखिएगा, यानी क्यों बराबर होता है आपका Ne, क्यों बराबर क्या होता है Ne, ये जो आपको हम लिखा रहे हैं क्यों बराबर Ne। ठीक है, ये जब आपको हम न्यूमेरिकल कराएंगे इस चैप्टर के थ्योरी को प्रूविंग के बाद तो आपको बहुत यूज करेगा। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान से देखिएगा, क्यों बराबर क्या होता है Ne, जो क्यों होता है आपका वैद्युत आवेश होता है। ठीक है, और जहाँ आप आगे लिखेंगे क्या बेटा, जहाँ जो N होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ये क्या होता है बेटा, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, जो E होता है आपका इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, आपका जो E होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका एक मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलाम के बराबर होता है, एक कूलाम जो आपका होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम के बराबर होता है। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, इस मान को जो लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें यूज होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वो आपका होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक, आवेश का एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे, क्या बोलते हैं, फैराडे, फैराडे,
ठीक है। आवेश के दो मात्रक होते हैं, एक होता है आपका कुलाम, एक होता है फैराडे, ठीक है। हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये जो आपका होता है छोटा मात्रक होता है, फैराडे आपका ये बड़ा मात्रक होता है। ये जो होता है आपका छोटा मात्रक होता है, ये आपका बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। यानी एक कुलाम में, यानी एक फैराडे में आप कह सकते हो, एक फैराडे में 96,500 कुलाम होते हैं। कितने होते हैं? एक फैराडे में आपके 96,500 कुलाम होते हैं, ठीक है। सोचिए कितना बड़ा ये मात्रक है, ठीक है, कुलाम की अपेक्षा। तो कुलाम आपका छोटा मात्रक और फैराडे आपका बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। अब आवेश की विमा देख लेते हैं। विमा देखो, ध्यान से देखिएगा, विमा क्या होती है? विमा होती है, इसके अनुसार निकालते हैं, ठीक है। विमा कैसे निकालेंगे आपको पता है, एक और सूत्र आपको दिखाते हैं क्यों बराबर होता है, उसके अनुसार निकालेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। आपको पता है क्यों बराबर, एक सूत्र और आपने पढ़ा होगा, क्यों बराबर IT, क्या होता है क्यों बराबर IT। तो क्यों जो होता है उसको हम बोलते हैं आवेश, ठीक है। क्यों होता है आवेश, इसका जो मात्रक होता है क्यों, क्यों को हम लिख सकते हैं कुलाम, ठीक है। और कुलाम का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है एम्पियर, यहाँ से निकालेंगे आप एम्पियर, ठीक है। और टी को बोलते हैं समय, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। यानी आई को धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और टी को समय, और समय का मात्रक सेकेंड। एम्पियर को ए से डोट करते हैं, समय सेकेंड को टी से, तो ये हमारा गुलाम का मात्रक यानी आवेश का मात्रक 80 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा मात्रक, सॉरी विमा हो जाएगी आपकी, मात्रक तो गुलाम। देखो आवेश का मात्रक गुलाम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है एम्पियर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जो ये गुलाम होता है दोनों आपस में बराबर होते हैं। गुलाम जो किसके बराबर होता है, एम्पियर सेकंड के बराबर, तो ये दोनों मात्रक होंगे आपके आवेश के, ठीक बेटा, यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब आप देखेंगे, देखिएगा, देखिए ये आपका हो गया, ठीक। अब जो आपका वैद्युत आवेश होता है, क्या बेटा, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वैद्युत आवेश, कौन कौन से होते हैं? एक आपका, देखो अगर वैद्युत आवेश हो रहा है तो या तो एक होगा आपका धनात्मक, एक होगा ऋणात्मक। क्या होगा? एक होता है धनात्मक, धनात्मक आवेश भी लिख देंगे आगे, धनात्मक आवेश। दूसरा होगा आपका ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। देखिए इसकी डिफिनेशन देखिएगा, आपको एग्जांपल के थ्रू डिफिनेशन समझाएंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अगर आपका आवेश प्लस आवेश है और प्लस आवेश है, आपके अगर प्लस प्लस के आवेश हैं, या आप कह सकते हो माइनस आवेश हैं, दोनों सेम होने चाहिए। अगर आपके आवेश दोनों सेम है, यानी या तो धनात्मक है या ऋणात्मक है, लेकिन सेम होने चाहिए, तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, इनमें होता है विजातीय। मतलब क्या है, ये आपके सजातीय हैं कि विजातीय? ये आपके क्या है बेटा, सजातीय हैं। सजातीय का मतलब सजाती, एक जाति वाले हैं। ये आपके क्यों क्यों है, और नीचे आपका माइनस माइनस, तो ये आपके क्या हो गए, सजातीय। ये आपके हो गए सजातीय, और सजातीय में आप लोग पढ़ चुके होंगे आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण होता है, बताइए। सजातीय में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, जब एक जो आवेश आपके एक जात के होंगे तो हमेशा आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, कोई कार्य नहीं होता है, तो इस वजह से क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है सजातीय में, ठीक। अब अगर हम कहें आवेश एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, या पहला माइनस का है और दूसरा प्लस का है, तो ये क्या है, ये विपरीत है, यानी विजातीय है, ठीक है, विपरीत या विजातीय कह सकते हो। और जब आपके विपरीत या विजातीय होते हैं तो इनमें होता है आकर्षण, क्या होता है आकर्षण, ठीक है, सेम, ओके, ये हमारा विपरीत, तो ये होता है आकर्षण, ठीक है।
कोई डाउट है आज तक? अगर आपके दो सेम आवेश होंगे, जैसे आप एग्जांपल कर सकते हो, देखो मेल मेल में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, मेल फीमेल में आपका आकर्षण होता है, आप वहाँ से भी एग्जांपल को देख सकते हैं। ठीक है, आगे आपकी एक डिफिनेशन बची है, उसे देख लीजिए। आवेश आवेश संरक्षण का नियम, देखो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, तो जो आवेश है ठीक है, ना तो इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो इसको नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरण यानी ले जा सकते हैं। क्या डिफिनेशन होती है? आवेश को ना तो उत्पन्न ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को ना तुम उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ आवेश को क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आवेश को केवल क्या कर सकते हैं, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में रूपांतरण कर सकते हैं, यह रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, ना तो क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरण किया जा सकता है। देखिए एग्जांपल से समझिएगा, इसका डायग्राम से थोड़ा समझिएगा, ये आपका एक है, एक ये है, इसमें आवेश आपके प्लस प्लस के हैं ठीक है, और इसमें आपके माइनस माइनस के हैं। ठीक, तो ये जो आपका आवेश है ठीक है, ना तो आप इसे नष्ट कर सकते हो ना तो इसे आप उत्पन्न कर सकते हो, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जा सकते हो, यानी इसको सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो आपकी ये आपकी आवेश और ये आवेश संरक्षण का नियम था। ठीक है, ओके बेटा, चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, जल्दी से नोट करिए इसे आप लोग। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका कूलॉम का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत ज़्यादातर ये पूछा जाता है कूलॉम का नियम। देखो कूलॉम का नियम क्या होता है, दो स्थिर बिंदु, तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे आपके, दो स्थिर बिंदु ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, ये दो स्थिर बिंदु हैं, इनके बीच जो लगेगा बल उसको बोलते हैं एफ, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यानी Q1, दो आवेश होंगे, एक आकर्षण का काम करेगा, एक प्रतिकर्षण का, यानी एक ऋणात्मक होगा एक धनात्मक होगा। ठीक है, आवेश बल दोनों मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो गुणनफल इनके बीच की दूरी देखिए आपकी R है। ठीक है, अरे ध्यान से देखिएगा, गुणनफल कौन से आवेश, यानी Q1 Q2 का गुणनफल होगा इनटू में, अनुक्रमानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल, ये आपका अनुक्रमानुपाती किसके बराबर है, बल, जो इस पे बल लग रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जो चीज होती है वो नीचे आती है, आर आपका है वर्ग की दूरी क्या है, आर वर्ग बोल दिया तो आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं अप्रपोजनल क्या हो जाएगा आपका, आर, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक, व्युत्क्रमण का मतलब ये होता है, तो आप क्या लिखेंगे नीचे, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, आप लिखेंगे Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल, Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, ये एफ प्रोपोर्शनल अभी हमने बताया था, या एफ अनुक्रमानुपाती और इन दोनों का गुणनफल, यानी Q1 × Q2। ठीक है, समीकरण एक आप इसे मान लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एफ
व्युत्क्रमानुपाती रहेगा प्रोपोर्शनल में, ठीक है। और वर्ग के, वर्ग मतलब होता है आर स्क्वायर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे आ जाता है, ठीक है। ये समीकरण दो हो गया। अब जो हम कूलाम का नियम निकालेंगे, किसका, कूलाम का नियम, तो समीकरण, समीकरण एक व दो से अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, एफ ठीक है व्युत्क्रमानुपाती क्यू वन क्यू टू इन टू में ये आपका आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ बराबर आ जाएगा आपका, एफ बराबर आ जाएगा के, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ जो आपका के है ये आपका एक नियतांक है, हमेशा नियतांक अनुक्रमानुपाती के स्थान पर रखे जाते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्या चीज लिख सकते हैं आप, अनुक्रमानुपाती ठीक है नियतांक, नियतांक है। और जो नियतांक होता है उसका मान जरूर होता है कुछ ना कुछ, नियतांक जो होता है उसका बेटा क्या है, कुछ ना कुछ मान जरूर होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो के है, के का जो मान होता है वो होता है आपका वन अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट, एक ये मान होता है। दूसरा एक और मान होता है जिसको बोलते हैं नाइन इंटू टेन की पावर नाइन, ठीक है। जो के होता है वो अनुक्रमानुपाती कूलाम के नियम में, ये आपका निर्वात में भी, ठीक है, वन अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट और 9 इंटू टेन की पावर 9 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका लिखा है एफ, ठीक है, बराबर यहाँ पे के, के की जगह क्या रख देंगे आप लोग, 1 अपॉन 4 फाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे क्या लिखा है, Q1 ठीक है और Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही आपका कूलाम का नियम होता है, यही क्या होता है आपका कूलाम का नियम होता है। इसका मात्रक होता है बेटा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका मात्रक होता है कूलाम का, ठीक है। ये आपका मात्रक हो गया कूलाम के नियम का, क्या होता है मात्रक, ध्यान से लिखिएगा, हर उसमें मात्रक आपको लिखना पड़ेगा, इसके भी नंबर कट जाते हैं अगर आपने नहीं लिखे, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ओके। जो ये के होता है इसका भी मान होता है, इसका मान होता है न्यूटन, क्या होता है बेटा न्यूटन, जो के का मान होता है वन अपॉइंट फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट इंटू नाइन इंटू टेन की पावर नाइन इंटू टेन की पावर नाइन, ठीक है, ओके। बस यहीं तक ये आपका कूलाम का नियम है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। जो आपका यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा है इसका बेटा एक मान होता है, ठीक, आपको हम निकाल के दिखाते हैं क्या होता है। देखो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है, याद करने के, वैसे आपका मान जो होता है एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो ये होता है, यानी 8.854, ठीक है, ये आपका मान होता है, किसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। और आगे आपका रहता है इंटू टेन की पावर माइनस 12, ये आपका एप्सिलॉन नॉट मान होता है। इसको निकालते कैसे हैं देखिएगा, देखिए 1 अपॉन 4 फाइव एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है 9 इंटू टेन की पावर 9, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अब आप एप्सिलॉन ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 1 ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू टेन की पावर 9, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो है यहीं पे रहेगा, ठीक है, और ये आपका 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू टेन की पावर 9 नीचे, ठीक है। अब आप जब लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है जो पाई है उसका मान होता है 31.4 और इंटू में 9 इंटू टेन की पावर 9 लिखा है, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, गुणा कराएंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 8.854 इंटू टेन की पावर माइनस 12, ठीक है, ओके। इसका मात्रक क्या होता है आपको बताया था, कूलाम, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, नहीं इसका मतलब था कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका मात्रक होता है। और यहाँ पे देखो दो कूलाम होते हैं तो यहाँ पे कूलाम का स्क्वायर रहेगा क्योंकि आपके दो कूलाम होते हैं, ठीक है, थीके? तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एप्सिलॉन का मान है, ये जो हमने आपको बताया है इतना,
ये आपको हमने सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने का तरीका बताया, ठीक है। बाकी आपका कूलाम का नियम तो यहीं पे ख़त्म हो गया था, ठीक है। अगर कूलाम का नियम आएगा तो आप यहीं तक लिखेंगे, ओके बेटा। चलिए ओके, इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके ओके बेटा, चलिए देखते हैं। आपकी हेडिंग है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य बल प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल को महसूस करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या डिफिनेशन होती है, विद्युत आवेश का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को महसूस करता है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे आप लोग कह सकते हैं, प्रैक्टिकली आप लोग कर भी सकते हैं, जब हम किसी विद्युत के सामने, आप टीवी है या जिसमें भी विद्युत का प्रवाह हो रहा है, लाइट, ठीक है, कहीं पर भी जहाँ पर विद्युत का प्रवाह हो रहा है वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो अगर अपने इस हैंड को हम ऐसे ले जाते हैं विद्युत जहाँ पे प्रवाह हो रहा है तो हम देखते हैं जो आपके ये रुएँ होते हैं ये खड़े हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है रुएँ से, विद्युत क्या कर रहा है, इन रुएँ को आकर्षण कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर विद्युत का प्रवाह हो रहा है वहाँ पर अगर हम अपने शरीर को या कोई भी वस्तु ऐसी ले जाते हैं जिसमें विद्युत का प्रभाव हो सकता है वो अपनी ओर आकर्षण करने लगता है, ठीक है। एक सा आपका एग्जांपल, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का, ओके। आप प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट डिफिनेशन लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल एफ को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल यानी एफ को उस बिंदु को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। क्या हुआ, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को बोलते हैं एफ, ठीक है, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ओके। इसको वैद्युत ई को किसे नोट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये हमारा हो गया, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है देखते हैं। देखिए आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E। आपका जो बल होता है F को क्या बोलते हैं हम लोग, बल। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा बल, Q नॉट यानी आवेश, ठीक। अगर आप देखिएगा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है बेटा, न्यूटन, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक। बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक। यानी हम लिख सकते हैं मात्रक इसका, देखिए क्या लिख सकते हैं, मात्रक क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम इसका हम मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है, मात्रक, ओके। अब इसी से हम लोग इसकी विमा भी निकाल लेते हैं, कैसे, देखिएगा विमा, ठीक है। आपको पता है न्यूटन, इसके पहले हमने आपको न्यूटन की विमा बताई थी ना, तो न्यूटन की विमा क्या होती है, MLT-2, ठीक है। कूलाम की विमा क्या होती है, देखो यहाँ से देखिएगा, न्यूटन अपॉन में कूलाम दिया है ना, तो कूलाम की अपॉन में विमा आएगी, ठीक है, तो क्या होती है, AT, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आगे, M, ठीक है, एम ए जो है आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इन्वर्स में, भाई पावर में एक, हर एक जितने भी अक्षर लिखे हैं सबकी पावर 1 है, ठीक है। ये आपकी 1 पावर थी, ऊपर गई तो माइनस में हो गई, यानी इन्वर्स में हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका टी यहाँ पे 1 है नीचे प्लस का, ऊपर है माइनस का 2, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -3, यानी T-3, और आपका बच्चा L। ये जो होती है आपकी विमा होती है किसकी, विद्युत क्षेत्र की, ये आपकी विमा होती है, ठीक है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ओके। नेक्स्ट डिफिनेशन है आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिए किसी एक आवेश, देखिए सबसे पहले इसका हम लोग चित्र देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपका एक देखो, इसमें एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इनके जो बीच की जो दूरी होती है किसके, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी होती है 2L। क्या होती है बेटा, 2L। ठीक है, ये हमारी होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या हो गई, P से प्रदर्शित करते हैं, किससे बेटा, हम लोग P से। तो P बराबर देखिए क्या होगा, देखिए किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, एक आवेश का मतलब एक क्यों, एक आवेश का मतलब एक क्यों, आवेश को क्यों से डिनोट करते हैं ना, तो एक आवेश यानी क्यों। फिर कह रहा है तथा दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी, दोनों आवेश की माइनस क्यू वन और प्लस क्यू टू के बीच की दूरी गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, यानी बीच की दूरी क्या है, 2L। ठीक है, को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आई, क्या हुआ, किसी एक आवेश, क्या, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हमारी यहां से डेफिनेशन बन गई। ओके, आगे देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, P बराबर इसको लिख सकते हैं 2QL, लिख सकते हैं। ओके, तो इसका देखिए क्या हो गया, इसका जो है मात्रक होता है आपका कूलाम, कूलाम मीटर। ठीक बेटा, ये आपका मात्रक होता है। ठीक है, अगर इसकी हम विमा लिखेंगे तो क्या होती, देखिएगा विमा, ये हमारा मात्रक हो गया, यहाँ पे चाहे मात्रक भी लिख लीजिए, मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम मीटर। ठीक है, विमा देखिएगा, विमा देखिए, विमा कूलाम की आप लोगों को पता है क्या होती, एटी होती है। ओके, आगे मीटर, मीटर की बीमा क्या होती है, एल। ठीक है, गुणे में अगर लिखेंगे एल, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, यानी बीमा बराबर हो जाएगा एल टी ए। ठीक, ये आपकी हो जाएगी बीमा, किसकी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, डिफिनेशन तीनों के समझ में आई। ओके बेटा, चलिए आप लोग इनको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार अधिकतर कोई ना कोई इसमें से डिफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, ओके बेटा, आज की क्लास यहीं तक, और अच्छे से पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए, और खूब मेहनत करके पढ़िए पढ़िए। ओके, और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।